Hey everyone, this is Vida Sagardas and you are watching Pramod classes. So today we're going to discuss about the strategy for OPSC OS pre 2020 examination. Okay, so kemti bhabare apanko preparation strategy rahibo, and I hope apanko preparation ebe bahut jordar level le chalthibo karan already delay hechi jaki 23rd May re thila examination, but due to COVID-19 apan janchanti ki already postponed hi sarichi examination. So एबे आपनको प्रायोरिटी रहइबो प्रीलिम्स सहित गोटे निहाति भाव में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को निहाति भाव में पढ़ंतु. सो लेटर ऑन ता मध्ये डिस्कस करबा, किंतु आज जो स्पेशल सब्जेक्ट अच्छी कि हाउ टू क्रैक ओपीएससी प्री ओएस प्री 2020 एग्जामिनेशन. ओके, सो आई होप आपण मैंने निहाति भाव में सपोर्ट देखेबे एंड भिडियोटी को जमारू स्किप न करी एंड पर्यंत देखंतु. एंड I'm 100% sure that you will be benefited from this particular session or particular video. Okay. Before start the video, something about myself. Myself, Vidyasagar Das, appeared in 2019 OS mains examination, having 4 years of teaching experience in the field of civil service examination and currently taking online classes regarding civil services in Pramod classes and other online platforms. Okay. With my special optional subject like geography, sociology and history, polity, economics. So before start the topic, I want to share some information about Pramod classes. Do join Pramod classes karan ebe amaro jo High Court ASO and Secretariat ASO pai currently classes sabu chalchi and regularly apanko test series madhya chalchi and apanko say related examination related jaha bhi एंड सब मेटेरियल्स दरकार सब किसी सैट से अवेलेबल अच्छी. सो सब्सक्राइब करूँ आम सैट्स को एंड ये रहा आम प्रमोद क्लासेस जो रही यूट्यूब सैट को सब्सक्राइब करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु, जहाद्वारा कि आपको विदिन सर्ट पीरियड आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाव आम जहाँ भी अपलोड करूँ. ओके, सो प्रमोद क्लासेस एप्स अवेलेबल अच्छी बोथ इन एंड्रॉइड एंड आईओएस वर्सन में एंड ये रहा तले आम जो व्हाट्सएप नंबर, तो ताकू निहाती भाव में आप व्हाट्सएप करेंगे. सो प्लीज ए नंबर रे कॉल करेंगे ना, कारण कॉल करी एते सारा कॉल आम अटेंड करने सक्षम न हो, कारण जहाँ भी सब कॉल आसे रिगार्डिंग एग्जामिनेशन इश्यूज एंड जो आपणकर कोर्स रिलेटेड जहाँ भी आपण क्वेरीज अच्छी प्लीज ताकू आमको व्हाट्सएप करूँ, सो दैट आम निहाती भाव रिप्लाई करूँ. एंड चलो तो स्टार्ट करिबा आज स्पेशल टॉपिक द स्ट्रेटेजी टू क्रैक द ओपीएससी और ओएस 2020 एग्जामिनेशन. ओके, सो एग्जाम विषय जानवा पूर्व एग्जाम प्रिपेरेशन विषय जानवा पूर्व आम निहाती भाव जानवा दरकार तार जो प्रोसेस रही एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड खास करी तार सिलेबस. ओके, सो एग्जामिनेशन आपण जमीक जानते आगुरु जानते एंड जो मैंने जानवि ना फ्रेशर्स अच्छा निहाती भाव से मैंने फोकस करूँ कि एग्जामिनेशन आप थ्री फेज रे एग्जामिनेशन हम प्रिलिमिनरी मेन्स एंड इंटरव्यू बा पर्सनल इंटरव्यू. ओके, सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप फर्स्ट ऑफ ऑल दुईटी टॉपिक रहइबो जीएस पेपर वन जहाँकि रोकर जनरल अवेयरनेस जनरल स्टडी को लेकिन एंड जीएस पेपर टू जहाँकि एप्टीट्यूड एंड अदर जो आप कंप्रिहेंशन जो इंग्लिश रही एंड अदर सब्जेक्ट को लेकिन. ओके, सो जीएस पेपर टू विषय आम कथा कि पूर्व आम जीएस पेपर वन सिलेबस को जस्ट चेक करदे कि ये आपणकर मेंशन अच्छी जमीक सिलेबस ये देखो आपको सिलेबस मेंशन अच्छी हिस्ट्री पर्टिकुलर किसी सिलेबस मेंशन ना कि आपको टॉपिक वाइज सी सिलेक्ट करके तो आपंकर कोर्स बहुत ही भास्ट रुहे जदि आपणकर कोर्स जो आप स्ट्राटेजी कर नि कि प्लान करनी आप प्लान स्मार्ट वे न रोचे आपण केबे हेले भी एग्जामिनेशन विदिन एते कम पीरियड रे सारिया पई आपनकु इजी हबो नै. ओके, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपनको रहिला हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एटसेट्रा एंड इकोनॉमिक्स, देन आपनको जनरल साइंस, जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहिला आपणकर एंड करंट अफेयर बा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस. ओके, सो ये आपण माइंड रे पूरा पूरी भाव में फिक्स रही दरकार जहाद्वारा कि आप कौन भी टॉपिक विषय जब आप पढ़ुं सो आपन को क्वेश्चन सिलेक्शन करने कि जो आपर डाटा रही जो सिलेक्टिव वे जदि आप पढ़ुं तो ताकू आप सिलेक्शन करने इजी हम रादर देन आप कौन बुक धरनी जदि आप सिलेबस आपंक माइंड रे नहीं
तो केबे हेले भी से बुक रु 100% आपण बेनिफिट पाई परिबे नै। ओके सो जेमति कि आपण स्क्रीन ने देखि परचंती आपणकर जीएस पेपर 2 रो सिलेबस एटी मेंशन अछि कॉम्प्रिहेंशन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी इंटरपर्सनल स्किल जो रही है ये पार्ट आपंकर जो रही एप्टीट्यूड पार्ट टी पूरापूरी भाव में क्वालिफाइंग इन नेचर आपन को पूरापूरी भाव में क्लीयर होगा दरकार सिलेबस एंड प्रोसेस उपरे कि जो पेपर टू रही आपंकर ये क्वालिफाइंग नेचर रही 33% रही दिशा क्वेश्चन पड़े आप जानते कि 200 क्वेश्चन बोथ पेपर वन पेपर टू दुई क्वेश्चन पड़े सो इवन पेपर वन 100 जो क्वेश्चन सॉरी 200 मार्क जो क्वेश्चन पड़े तो पेपर वन में आपको 100 टी क्वेश्चन पड़े तो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स लिखा ही जाए किंतु जो पेपर टू रही आपको 80 टी क्वेश्चन पाइबे 80 क्वेश्चन आपन को पाइबे सो से रिगार्डिंग आपको 2.5 मार्क्स रही जाए ईच क्वेश्चन पाई सो एठी आपको केवल मात्र क्वालिफाई करने पड़ो 33% रखिकी सो जदि आपको कैलकुलेट करके कह 200 मार्क रु आपको 66 मार्क रखा पड़ो क्वालिफाइंग एंड 80 टी क्वेश्चन को जदि आप कनसीडर करके मुझे कहबी 80 टी क्वेश्चन रु आपको सेफ साइड 30 टी क्वेश्चन बेसिकली 30 टी क्वेश्चन आपको करदे एक्यूरेसी सहित 30 टी क्वेश्चन अटेम्प्ट कले आप क्वालिफाई करेंड तापर ही आप जीएस पेपर वन को चेक करा जीवो एंड जीएस पेपर वन ने ही आपन कर कट ऑफ क्लियर हो। ओके सो यही कथा को आपन को माइंड रे पूरा पूरी भाव रे फिक्स कर नियंतु कि आपन को केवल मात्र एबे बेसिकली आपन को फोकस करिया पई पड़िबो जीएस पेपर वन उपरे एंड आपन केवल मात्र क्वालिफाई करिया पई पेपर टू को पढ़ंतु पेपर टू एते इंपोर्टेंट जदि आपन एते इंपोर्टेंट नै किबा जस्ट मुझे कहि आप रेगुलाली बेसिस रे जदि आपन प्रैक्टिस करथुबे तो एटा नेसेसरी नहि कारण सेतिक टाइम आपन टाइम दियंतु आपन को जीएस पेपर वन उपरे सो जो माने एप्टीट्यूड बैकग्राउंड बा एप्टीट्यूड जो जो मान को भलो हुए से माने तो पूरा पूरी भाव रे तांकर डीआई जो रहउछि डीआई से क्लियर हिजबो एप्टीट्यूड पार्ट टोटल क्लियर हिजबो एंड मु कहउछि एठी एवरेज स्टूडेंट को पई जो मान को एप्टीट्यूड एते खास हुए नै मैथ्स उपरे एते तांकर एते खास हुए नै किंतु तांको पई मध्य एठी गोटे चांस अछि कि पेपर टू को क्वालिफाई करने। ओके सो जदि आप देखुं ये देखते डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक एनालिटिकल एबिलिटी इंटरपर्सनल स्किल्स जो रही देन जनरल मेंटल एबिलिटी तो ये रहा एप्टीट्यूड पार्ट एंड जो रही आप कॉम्प्रिहेंशन पार्ट सो एवरेज स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन डिसीजन मेकिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल को लेकिन आप एबव 30 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पारे कारण से जो चांसेस ऑफ पीएससी तरफ दि जाए सो आपको जरूरी नुहे कि एग्जामिनेशन जो पेपर टू को क्वालिफाई करने आपको मैथ्स आसवा निहाती भाव दरकार तो आप जस्ट यही किसी क्वेश्चन यही जो टॉपिक को आप जब भल भाव प्राक्ट करती जस्ट एग्जाम पूर्व 1 मंथ दिंतु 1 मंथ एनाफ रही सो ताको टाइम दिंतु जस्ट प्राक्ट करूँ एंड बेसिकली मु कहबी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भल भाव फॉलो करूँ से डीआई को नहीं नियंतु कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर को नहीं नियंतु एंड लॉजिकल रीजनिंग को नहीं नियंतु ताकू नहीं कि आप प्रैक्टिस जिते आप प्रैक्टिस रहिबो पेपर टू को क्वालिफाई करने से आपको इजी रहिबो देन ये आप रहा ओपीएससी मेन्स रो पैटर्न आप जानते हैं 2700 मार्क एग्जामिनेशन हुए सो ये तो बेसिकली आम पर दरकार हे कि आज टॉपिक रे जमी रही प्रिलिम्स खास करमती भाव में प्रिलिम्स क्रैक करेंगे तापर डिस्कस करिबा सो पेपर वन तो ऑलरेडी आपण जानते कि सेइटारे ही आपको बेसी रु बेसी परिश्रम करने पड़ो तो परिश्रम कौ लेवल होगा दरकार नेक्स्ट स्लाइड रे मु डिस्कस करी एंड पेपर टू उपरे तो आप जस्ट धारणा गोटे होगा कि पेपर टू को क्वालिफाई करने कौन कौन बेसिक नीड रही बेसिक कौ कौ क्राइटेरिया रही जहाद्वारा कि आप पेपर टू क्वालिफाई इजिली हो। ओके सो दुईट पेपर को आप भल भाव देखने तार सिलेबस भल भाव जानले बे किंतु आपन को जानी रखिया दरकार कि आपन को माइनस मार्किंग अच्छी। ओके सो माइनस मार्किंग बा नेगेटिव मार्किंग थाई कि आपन केबे हेले भी ट्राई करिवे नै कि 100 रु 100% क्वेश्चन आपन अटेम्प्ट करिवे एंती बहुत पिला मु देखी छी बहुत जण फ्रेंड्स मध्य अछंती कि से माने कोंती कि हमें 100 रु 100 क्वेश्चन सब करिकि आसु एंड से मान कर ता परे मध्य सिलेक्शन हुए नै तारो मेन रीजन होउची कि नेगेटिव मार्किंग जदी एक्यूरेसी सहित आपन चांस नउछंती
ଆପଣଙ୍କର ଦି ତିନିଟି ଭୁଲ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ ଅଛି ଯ ନର୍ମାଲ କେସ୍ ସୋ ଯଦି ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ୟାକୁ ଜଷ୍ଟ କି ଆପଣ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଗୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଯଦି ଆପଣ 100% କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେବାର ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ସୋ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରସେଣ୍ଟରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଏକୁରେସି ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ MCQ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ କରିବେ ଇଭିନ୍ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଆମର ଜେନେରାଲ ଲେବୁଲ ଯେଉଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ ଏନ୍ ଏଭରେଜ ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 105ରୁ 110 ମୁଁ ସେଫ୍ ସାଇଡ଼ରେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ଏତିକି ଉପରକୁ ଯଦି ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦି ଯାଉଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ 110 ଉପରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ସ୍କୋରିଂ ଯାଉଥିବ ଓକେ ସୋ ପେପର ଟୁ ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର ରହିଲା ପେପର ୱାନ୍ କୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ରହିଲା ସ୍କ୍ରିନରେ କିଛି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂର ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ କି ଆପଣ କେତେରୁ କେତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଆପଣ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖିନେବେ କି କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ ସ୍ଲାବ୍ ଆସୁଛି କେମିତି କଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲାବ୍ ଇଏ କାଲକୁଲେଟ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଜମାରୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାରଣ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମିର କାରଣ ହେବ ଓକେ ସୋ ଏବେ ଆସିବା ଯାହା ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର ଓଏସ୍ 2023 କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ଓକେ ପ୍ରିରେ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଭିନ୍ ଦେଖିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ହିଁ ଇଜି ଥିଲା ସି ଏକ୍ସାମିନେସନରେ କେବେ ହେଲେ ବି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ଏକ୍ସାମିନର କେବେ ହେଲେ ବି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଇଜି ହିସାବରେ ସେଟ୍ କରିନଥାଏ ପ୍ରତି ଏକ୍ସାମ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ହଉ ସବୁ ଏକ୍ସାମିନେସନର ତାର ତିନିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଆଣ୍ଡ ହାଇ ଲେବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି ଆପଣ ଏକ୍ସାମିନେସନକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ କି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ଥିଲା କିମ୍ବା ମଡରେଟ୍ ଥିଲା କିମ୍ବା ହାଇ ଲେବଲ୍ ଥିଲା ସୋ ଇଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ ଭେରି କରେ ସୋ କେବେ ହେଲେ ବି ଏକ୍ସାମିନେସନକୁ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ କି ଇଏ ବହୁତ ହି ଇଜି ଥିଲା ଏକ୍ସାମ କିମ୍ବା ବହୁତ ହି ହାଇ ଲେବଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁଥିରେ ସବୁଥର ଏକ୍ସାମିନର କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରିଲିମିନାରି ଏକ୍ସାମରେ ଖାସ କରି ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡରେଟ୍ ଟୁ ହାଇ ଲେବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ସେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଅଲରେଡି ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ ଯେମିତିକି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ଏଭରେଜ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସାମିନେସନକୁ ନେଉଛନ୍ତି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି 5% କିମ୍ବା 5 to 7% ପିଲା ପୁରା ପୁରି ଭାବରେ ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି ସୋ ଏଇଥରକ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଡରେଟ୍ ଟୁ ହାଇ ଲେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜି ଲେବଲ୍ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସେ ଏକ୍ସାମିନେସନର କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେବଲ୍ ଏଥର ବହୁତ ହିଁ ହାଇ ରହିବ କେଉଁଥିପାଇଁ ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମିନାରି ପେପରରେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର କି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆପଣ ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିକି ଜଷ୍ଟ ଏଭଏଡ଼ କରିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ଆଣ୍ଡ ପଢ଼ିଲା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଲିମିନେସନ୍ ମେଥଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା MCQ ଯେଉଁ ପାସ୍ କରିବା ମେଥଡ଼କୁ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଜମା ହିଁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ହାଇ ଲେବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଏଥିରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି ଥାଏ କି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମିନର ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ କହିନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏମିତି କିଛି ଦେଇଦେଇଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଇଗୋ ସେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଯଦି ଫଲୋ କରିଦେ ସେଠି ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ କି ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ କରିକି ହିଁ ରହିବି କାରଣ ଇଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ ସୋ ଯଦି ଇଗୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଠି ଆପଣ ପକେଇଦେଲେ ତ କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ OMR ସିଟ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ ସୋ ହାଇ ଲେବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାର୍ଟ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଏକ୍ସାମିନର ଜାଣିକି ସେଠି ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ତାକୁ ଏଭଏଡ କରିକି ଯୋଉ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଓକେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ନ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ରହିଯିବେ ତ କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ପେନସିଲ୍ ରେ ମାର୍କ କରି ନେଇଯିବେ
कि को क्वेश्चन ओएमआर सीट फर्स्ट ऑफ ऑल आपन को मु कहबी कि ओएमआर सीट रे डायरेक्ट आपन क्वेश्चन सॉल्व करके टिक करबा बा राउंड बुलेबा स्टार्ट करंतु नै जस्ट सॉल्व करंतु आपन को क्वेश्चन पेपर रे जस्ट जस्ट एम्प्टी नुए कि आपन जस्ट गारही मार देले किबा राइट टिक कर देले सेम्प्टी नुए जस्ट गोटे गोटे स्मॉल पॉइंट इंडिकेट कर दियंतु कि जो इंडिकेटर रे आपन परे जाई कि ओएमआर सीट रे आपन कॉपी रे मेंशन करि परबे बा राउंड बुले परबे ओके सो एम्प्टी भाबरे आपन जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो 10 मिनट टाइम नियंतु 10 मिनट टाइम परे आपण इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पढ़ी पढ़ी ही अधा सॉल्व हो जो कारण जदि आपण प्रिपरेशन लेवल जदि हाई थिबो तो निहाती भाबरे आपण को इजी क्वेश्चन टू मॉडरेट क्वेश्चन को आपण से क्वेश्चन ने ही सॉल्व कर देबे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण को 40 रु 50 टी क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व ही हे जबो सॉरी 40 टू 45 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हे जबो विदाउट टेंशन एनी टेंशन ओके तो तापर आपण जस्ट ट्राई करबे कि बाकी जो टाइम पीरियड रहला सो सेतिरे हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करबे एंड दैट टू आपण को धरनियंतु 40% क्वेश्चन आपण इवन जदि सॉल्व करनो उठंती तो आपण निहाती भाबे ओएमआर सीट रे ताकु उठे नेबे ओके सो एमती किछि रहइबो आपण को स्ट्रेटजी रहइबो तो या बिषय डिटेल आमे हमर जो चैनल रहिछि सेतिरे मध्ये आमे डिस्कस करबा सो जस्ट शो योर सपोर्ट एंड सपोर्ट अस जाद्वारा कि आम निहाती भाबरे आपनकर प्रॉब्लम सब सॉल्व करियारे पूरा प्रूफ सहित आम सॉल्व करिवु एंड जस्ट देखिनियंतु एबेकार जो वैकेंसी बाहर 392 सेथिरे ओएस पई केवल मात्र 137 पोस्ट अछि सो मु एटी कहिया पई चाहे कि बहुत जण एमती पिला अछंती कि जो माने ऑलरेडी सर्विस रे अछंती किंतु रैंक इंक्रीज करिया पई से माने एग्जामिनेशन दियंती सो एई तरह जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हबो से बहुत ही कंपटीशन लेवल यार हाई रहबो कारण ऑलरेडी जो पिला मन को रैंक इंक्रीज पई देबे से माने मध्ये थिबे एंड फ्रेशर्स माने थिबे एंड जो माने प्रिपरेशन लागि छथि से माने मध्ये थिबे सो एथरो बहुत सारा एस्पिरेंट्स माने कंपटीशन एस्पिरेंट्स मन को भीतर कंपटीशन हबो सो कट ऑफ मे भी आपन को मु कहबी जो वेरी करबो ये 97 टू 98 टू नहीं कि आपन को 102 103 पर्यंत ये वेरी करि पारे किंबा ताटू जस्ट 2-3 मार्क्स ऊपर को चल जाय पारे एंड जदि आपन कोई भी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपन मानि के चलंतु कि अगस्त लास्ट वीक और सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक रे आपन एग्जाम नियाति भाबरे हे जिवो एंड जदि आपन को प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऊपर कहबी कि आपन को प्रिपरेशन बा योर प्रिपरेशन शुड बी इन फर्स्ट रिवीजन मेथड ओके सो प्रिपरेशन पई कोन करबे एबे कोनसी भी सोर्सेस बुक सोर्सेस न्यू सोर्सेस को आपन ऐड करबे नै कारण न्यू सोर्सेस एबे ऐड करले आपन को बहुत ही प्रॉब्लम हबो जहाँ भी आपण पढ़ी ताकु ही रिवाइज करंतु जस्ट फास्ट बा क्विक रिविजन करंतु बुलेट पॉइंट्स करंतु जस्ट मु आपण को सजेस्ट करबि कि एमती टाइप रो गोटे ए टाइप रो गोटे ए4 साइज पेपर नै जिवे ओके सो ए4 साइज पेपर रे लाभ कोन हुए जदि आपण को पाखरे अवेलेबल नै तो किछि बुक स्टोर रु आपण जदि पाउ छंती तो ताकु नै नियंतु सो ताकु जस्ट कोन करबे ना जहाँ भी आपण जो भी सब्जेक्ट पढ़ुंट निहाती भाव डेली का रिविजन जो कर तो डेली रिविजन में आपत भाव धरत हिस्ट्री रोटे सब्जेक्ट पढ़ले हिस्ट्री प्लेस इवेंट्स एंड डेट लिखिकी जस्ट गोटे बुलेट पॉइंट करो क्राश कोर्स प्रिपेयर करूँ आप नोट्स लिखतु सी नोट्स लिखा फल की लाभ मिले कि आप गोटे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ो जदि इवन आप हाथ लेखा नोट्स लिखुं तो फार बेटर आप हाथ लेखा नोट्स ही आपको साहय कर एग्जामिनेशन रे जो मेमोराइज करने सो जदि आप मन रोना कौन सी जिन बारंबार लिखतु एमती जस्ट गोटे ए4 साइज पेपर ने जस्ट फोल्ड करदे ओके जस्ट वन फोल्ड करदे सो एमती करके आप जो बुलेट पॉइंट करूँ स्मॉल पॉइंट करूँ करंट अफेयर नहीं कि जियोग्राफी नहीं कि सब सब्जेक्ट को आप सर्ट सर्ट फॉर्मेट रे लिखतु डेलिका बेसिस रे एंड जदि आप सका पढ़ाई बस सका पढ़ु एंड राति रिभाइज करूँ रिभाइज कर सारापर ताकि जस्ट सेपरेट करके रखि दिंतु पुणी नेक्स्ट डे पुणी से प्रोसेस को आपड़ फॉलो करूँ ओके सो ये रोज बेसिकली आप नोट मेकिंग स्ट्राटेजी तो एबे आपण न्यू नोट किछि प्रिपेयर करिवे नै तो जेमति कि आपण जानछन कि मे 23 जो आपणकर एग्जामिनेशन थिला ऑलरेडी बहुत सारा पिला प्रिपेरेशन कर साथिले तांकर करंट अफेयर कोनी कि तो आपण को पाखरे एबे गोल्डन चांस अछि कि आपण बेसी रु बेसी रिविजन करंतु कारण रिविजन करले ही आपण सब्जेक्ट मन रहिबो एग्जामिनेशन रे अदरवाइज एग्जामिनेशन रे भूलिवार बहुत सारा चांसेस थाय जदि आपण जस्ट मार्केटिंग पॉलिसी को जदि आपण फॉलो करिकि बहुत सारा सोर्सेस को एबे पढिया पय लागि गेले किंबा जदि आपण देखुं कि आपण पाखे एनफ टाइम अच्छी एबे 2 मंथ टाइम अच्छी आप लगेदे 2-3 बुक न्यू बुक लगेदे तो आपंकर एग्जामिनेशन आउ किसी इनफर्मेसन मिल जाव सो से भूल धारणा आपण मनर काढ़ दिंतु
आपण जहाँ भी पढ़ी प्रिपेरेसन कर समस्ते से टाइप रिपेरेसन करेंगे एंड किसी पिला थे अन एन एवरेज उपरे प्रिपेरेसन करेंगे सो ये एवरेज पिला कौन करेंगे निहाती भाव में आपण रही दरकार कि आप बेसी बेसी रिविजन करूँ आपणकर जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन अच्छी आप रिवाइज करूँ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ अच्छी सैंपल्स क्वेश्चन के करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बारंबार फॉलो करेंगे देन आप सैंपल क्वेश्चन को लगे मानते टेस्ट सीरीज को लगे जहाँकि आम प्रमोद क्लासेस अवेलेबल करदेबु आप टेस्ट सीरीज बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टेस्ट सीरीज आप अच्छी सो इंटरेस्टेड जो मैंने अच्छा तो निहती भाव में सहित कंटाक्ट करूँ आपन को क्रैश कोर्स सहित टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो एंड जमीक आप देखुं स्क्रीन में आपंकर डेट रोच अगस्ट लास्ट विक टू सेप्टेम्बर फर्स्ट विक भितर एग्जामिनेशन होवार चांसेस रोचे ओके सो ये स्क्रीन में जमी आप देखिपे कि डाटा मुझे रखी जहाँकि फुल प्रूफ सहित आ 2017 जो एग्जामिनेशन होता आप करेंट अफेयर संख्या थी 15 साइंस रो 9 थिला एनवायरमेंटल रो एनवायरमेंट स्टडी रो 14 थिला पॉलिटी रो 16 इकोनॉमिक्स रो 12 ज्योग्राफी रो 15 हिस्ट्री रो 14 क्वेश्चन एंड मिसलेनियस आपण को हेडक्वार्टर प्लेस एटसेट्रा नहीं कि स्टैटिक डेट को डेट रे को इवेंट हुए बा को डे मना जाए एंड एब्रिविएशन आप जो रही सो से आसला 5 क्वेश्चन सो धीरे धीरे आप देखते करंट अफेयर रेसी बढ़ी जाता 2018 ओके देन 2019 ये 13 को पहुंची जाता सो एक्सपेक्टेड एथर जो 2020 रही तो करंट अफेयर आप जानते कि ड्यू टू कोविड 19 सिचुएशन आपण करंट अफेयर अवेलेबल अच्छे स्कीम लेवल ले, एंड करंट अफेयर अच्छे इसरो जो रही नासार रही किसी एंड जो रही बैंकिंग सेक्टर रही एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रही एमएसएमई सेक्टर रही एग्रीकल्चर सेक्टर रही सो बेसिकली एमती किसी करंट अफेयर नियंतु जहाँकि पब्लिक डोमेन में आपको अवेलेबल हो एंड किसी जनसेवार जनकल्याण लगी नुहे कि कौटी कौ टोटल जो इनवेट है कौटी कौ धान जो ब्रिड गोटे बाहर तार नामकरण कि मेज रकार कि कटन र तो सेमती भाव में आप मार्केटिंग स्ट्राटेजी को फॉलो न करके एमती बहुत सारा चैनल्स अच्छा कि जस्ट फॉर करंट अफेयर को से कवर अप करेंगे कि कौ ब्रिड रो स्नेक नुआ इनवेट है कि कौ आप फ्रग नुआ नेम करागला तो युड़ करंट अफेयर हिसाब से आप पढ़ु ना जहाँकि आप आरबीआई रहा धरतु नेशनल इंस्टीट्यूशन रहा आरबीआई इसरो रहा एंड आप मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रहा वुमेन जो वुमेन वेलफेयर रहा जो चाइल्ड डेवलपमेंट रहा एंड आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहा इकोनॉमिक करंट अफेयर रहा जहाँकि आप इंडिया रिलेटेड ओडिशा रिलेटेड आसू ही पढ़ु ताक बेस प्रिफेयर करूँ धरतु फॉर एग्जांपल आप कौटे जो नक्सल अटैक है नक्सल अटैक कौ कौ स्कीम लागू है तो ताक बेस प्रायोरीटी दिंतु रेदर देन कि आप कौन सी पर्टिकुलर जीआई टैग मिलला कि जो कौन सी फॉर एग्जांपल आप नहीं कौटी कौ फ्रॉग इन्वेंट डिस्कवर्ड हो तार कौ नाम नुआ नाम गोटे रखाला सो एगुड़ी करंट अफेयर हिसाब से जमा भी पढ़े ना तो जमा भी फॉलो करूँ ना मार्केटिंग पॉलिसी को बहुत सारा एमती आसू चैनल कि मार्केटिंग पॉलिसी से करंट अफेयर को बहुत ही भास्ट कर दौरान जहाँफल कि आप बेसिकली करंट अफेयर सेक्शन एथर कोविड 19 मुझे प्रिफेयर करी कि करंट अफेयर एत प्रिफेयर आपंकर 12 टू 14 क्वेश्चन आप करंट अफेयर ओके बेसी हम ना कि सिलेक्टेड करंट अफेयर रखे एवं गोल्डन चांस अच्छी कारण आपको सब्जेक्ट पूरा टोटाली मिल जाऊँगी कारण आरबीआई जो बैंकिंग सेक्टर चेंजेस एंड आप एमएसएमई सेक्टर फार्मर्स प्रोटेक्ट जो प्रोटेस्ट चलती एंड आप रहा एंटीजन एंटीबॉडी जो रहा रिलेटेड एंड कोविड 19 जो वैक्सीनेशन रिलेटेड रहा प्रॉब्लम्स है एंड कौ स्टेट को फर्स्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट करते सो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाए आपण सो ए गोल्डन चांस अच्छी आपड़ करंट अफेयर को करंट अफेयर हिसाब से आप प्रिपेयर करते करंट अफेयर को क्लीयर करेंगे रादर देन आप कौन सी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जस्ट बढ़े चढ़े कि जस्ट आप कौटी कौन इनवेट है कौटी कौ कह डिस्कवर है एंड नुआ नाम रखा जीआई टैग वगैरह आपको एत हेल्पफुल हम ना सो सेमती आपको कह साइंस पार्ट में एथर आप नुआ क्वेश्चन किसी इनक्लूडेड पाए रिलेटेड टू एंटीजन एंटीबॉडी ओके सो धीरे धीरे यही किसी जो जो सब्जेक्ट अच्छे आम निहती भाव में क्लीयर करदेव आप जॉइन करते प्रमोद क्लासेस निहती भाव में विथ प्रूफ क्लीयर करदेबू कि कौ टाइप क्वेश्चन कौ टाइप करंट अफेयर आसे एंड प्रीवियस ईयर कौ टॉपिक थिला करंट रिलेटेड एंड से करंट अफेयर कौ कौ सेक्टर एनवायरमेंट हो इकोनॉमी हो
କୋଉ ସ୍କିମ୍ ଆସେ ତ ତାହା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ। ସୋ ଇଏ କିଛି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ କି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି 12 to 14, ସାଇନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଥର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ 17 to 20, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଢ଼ିବ କାରଣ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାଟର୍ସ ଏଥର ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ ଆଉ ଥରେ ଏଗେନ୍ 2018 ଯେମିତି ଆପଣ ପାଇଥିଲେ କାରଣ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ଜେନେରାଲ ପିପୁଲ ଆୱାରନେସ୍ ରେ ଯାହା ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସେ ତ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ ଇନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଜେନେରାଲ ପିପୁଲଙ୍କ ସାଇନ୍ସ କୁ ହିଁ ଆପଣ ଇନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟିଜେନ ଆଣ୍ଟିବଡି ବଗେରା। ଦେନ୍ ପଲିଟି ସେକ୍ସନ୍ କୁ ଯଦି ଆସିବା 16 to 19 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆରାମରେ ଆସିବ। ଏଠି ପ୍ରିଫେୟାର ପ୍ରିଫେୟାର କରିବି କି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଲେ ପ୍ରମୋଦ କ୍ଲାସେସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି କି କୋଉ କୋଉ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ ରୁ ଆପଣ ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସେମିତି 14 to 16 ଆସିବାର ଏବେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ 30 to 15, ଆପଣ ଯଦି ଲଗାତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟ ସେତେଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉନାହିଁ, 15, 13, 14 ଏତିକିରେ ହିଁ ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ 13 to 15 ଇଚ୍ ଯୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ସୋ ବେସିକାଲି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଯୋଉ ମେଡିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ମେଡିଆଭାଲ ପାର୍ଟ ର ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ସେମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ। ଆଣ୍ଡ ମିସେଲେନିୟସରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ICMR ହଉ କି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ହଉ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ହଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବ୍ରିଭିଏସନ ଆସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ଫର୍ମ ଆସିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଆସିଯିବ କୋଉ ଡେ ମନାଯାଏ, ଧରନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତାର ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ସୋ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥର ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ ମେକିଂ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବୁକ୍ ସୋର୍ସ କୋଉ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଖାସ କରି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି କି ପ୍ରାୟତଃ ଲୁସେଣ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭେଲେବୁଲ ଥାଏ, ସବୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପ୍ରିପେୟାର ପାଇଁ ଲୁସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଟିକ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାଉ। ତ ଲୁସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଲୁସେଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ କରନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସ କୁ କରିସାରିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ତରୁଣ ଗୋୟଲ ଯୋଉ ବୁକ୍ ରହିଛି GK ପବ୍ଲିକେସନ କିମ୍ବା ଅଦର ଯୋଉ ପବ୍ଲିକେସନ ସେ କାଢୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରାପିଡ୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଭିଜନ ପାଇଁ କାମ ଦିଏ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରିପେୟାର କରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ବା ମେନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଏଇ ବୁକ୍ ରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେବେ ହେଲେ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ରାପିଡ୍ ରିଭିଜନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ବୁକ୍ ସୋର୍ସ କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ। ଦେନ୍ ପଲିଟି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତର ଯୋଉ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି କେବଳ ମାତ୍ର ଓଏସ୍ ପାଇଁ, ଇଏ ତ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପଲିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବୁକ୍ କୁ। ସୋ କେବଳ ମାତ୍ର ଓଏସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଓଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁପିଏସ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପୁରାପୁରି ଅଲଗା, ତ ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର। ସୋ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡି ନ କରିବେ ତ କେବେ ହେଲେ ବି ଜଷ୍ଟ ଇଗୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଫସିକି ରହିଯିବେ ସବୁବେଳେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଓପିଏସ୍ସି ଭିତରେ। ଓକେ, ସୋ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ଓପିଏସ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପୁରାପୁରି ଅଲଗା। ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଏଠି ପ୍ରିଫେୟାର କରିବି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଉଛି ବିକେ ପବ୍ଲିକେସନ ର ବୁକ୍ ତାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରିଫେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରୁ ଯୋଉ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ର ଯୋଉ ଖାସ କରି ଓଏସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିଛୁ ତାକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଦ କ୍ଲାସେସ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନୋଟ୍ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ଏନଦର ଯୋଉ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଏଠି ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମର ସାଇଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରମୋଦ କ୍ଲାସେସ୍ ର ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ଡିକ୍ଲାରେସନ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦଉଛି କି ଓଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ଖାସ କରି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲି 50 ଯୋଉ ଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆମେ ଏଥର ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନୂଆ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ରିଭିଜନ ମେଥଡ କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସୋ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଖାସ କରି ହାଇଲି ପ୍ରୋବାବିଲ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ, 50 ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଫୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ
फुल सेट आम प्रोवाइड करुचु बोथ जीएस पेपर वन एंड पेपर टू पाई। सो निहाती भाव में जॉइन करूँ प्रमोद क्लासेस जो थे कि आपको 50 हाईली प्रोबेबल टेस्ट सीरीज आपरेंगे एंड जहाँकि रही ओएस जो क्रैश कोर्स आपको सबकि सोर्सेस सबकि मटेरियल्स अवेलेबल हो एंड क्रैश कोर्स जो गुड़िक इम्पोर्टेंट मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ताकू ही आम केवल इनक्लूड करवल मार्केटिंग स्ट्राटेजी को फॉलो करी नुहे केमती आप बेनिफिट हे द्वारा ताकू ध्यान रखिक आम जिते सब नोट्स प्रिपेयर करूँ केवल मात्र ओएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020। ओके देन जदि मुझे कहि बुक्स टू अवॉइड कौ बुक्स को आप अवॉइड करने दरकार सो ये आप लिस्ट अच्छी कि आदि आप स्पेक्ट्रम अच्छी तो किसी दरकार नहीं आपको बिपिन चंद्र गोटे फास्ट बुक को आप फॉलो कर किसी आवश्यकता ना जदि आप सिंपल स्पेक्ट्रम अच्छी तो स्पेक्ट्रम रु प्रिपेयर करूँ एंड आम साइड तो अवेलेबल हो सब सोर्सेस जहाँ भी रही इंपोर्टेंट सोर्सेस आम जिते सब इंपोर्टेंट बुक्स अच्छी से आम सिलेक्शन करें प्रिपेयर कर स्पेशल नोट्स। ओके आपको प्रिफेयर करेंगे देन एनी स्पेशल बुक फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आप अवॉइड करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल किसी बुक को आप धरतु ना कारण साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको जमी बुक कहली तादेव आप प्रिपेयर करदे एंड डी बसु जो रही है पॉलिटी किसी दरकार नहीं किसी आवश्यकता ना एंड अदर पॉलिटी बुक एंड खुल्लार माजिद हुसैन लाइक जो जियोग्राफी खुल्लार माजिद हुसैन जमारु प्रिपेयर करूँ ना एवं कारण से बुक्स गुड़ी खास कर मेन्स जदि आप शॉर्ट पीरियड धरुँ तो केवे भी कोर्स कम्प्लीट करें। ओके सो सेमती से हिसाब से जो एनवायरमेंट स्टडी रही मार्केटिंग पॉलिसी जस्ट मुझे कहूनी कि मार्केटिंग से शंकर आईएस बुक जो अच्छी आपे भी टाइम पीरियड केवे प्रिपेयर करूँ ना कारण शंकर आईएस रत सारा वास्ट कोर्स जो देखे भी ओपीएससी एते हाई लेवल क्वेश्चन पढ़े ना। सो जस्ट जो आपको बीके पब्लिकेशन है प्रमोद क्लासेस साइट है फॉलो करूँ ये आप जो इम्पोर्टेंट जो एनवायरमेंटल जो रही नोट्स रही खास कर ओएस पाइपारे शंकर आईएस बुक किसी दरकार नहीं मैगजीन्स लाइक योजना कुरुक्षेत्र आप जानते कि ये ओएस टोटाली नुहे से आपको मेन्स एंड भाइयापे कि प्रिलिमिनरी ये दरकार नुहे देन अवॉइड मेनी सोर्सेस फॉर पेपर टू जो आर एस अग्रवाल हो कि अन्य जो एप्टीट्यूड बेस्ड जो क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व करने केनदर सोर्सेस खोजतु ना पेपर टू को सॉल्व करने। ओके तो आप प्रमोद क्लासेस साइट रे अवेलेबल सब पाइपारे। सो ये आम प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी कि हाउ टू क्लीयर द प्रिलिम्स हाउ टू क्रैक द प्रिलिम्स अफ ओएस 2020 जहाँ भी आपको इनफर्मेसन देली मुझे इम्पोर्टाट इनफर्मेसन आप फॉलो करूँ एंड फॉर मोर क्वेरीज आम सहित जोजोग करूँ प्रमोद क्लासेस जरिया जहाद्वारा आम पूरा पूरी भाव में आपको सोर्सेस रु नहीं कि मेटेरियल्स रु नहीं कि सबकि अवेलेबल करदेबू एंड टेस्ट सीरीज आपको इम्पोर्टाट खास कर ओएस टेस्ट सीरीज जो प्रिपेयर कराई जो इजी मॉडरेट एंड हाई लेवल क्वेश्चन भी सेठी इंक्लूड थी तो ताकू भी हमें अवेलेबल करदेबू एंड करंट अफेयर आम साइट रे आपन पाई जाय परबे। सो विश यू गुड लक फ्रॉम प्रमोद क्लासेस एंड आपन निहाति भाबरे भलो करिवे ये आमर आशा एंड जो स्ट्रेटेजी रही स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग जहाँ भी किसी क्वेश्चन रही आमको व्हाट्सअप करें एंड थैंक यू।